Hey guys, welcome back to my YouTube channel and another vlog. और मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ, अभी मैं अपने घर पे हूँ. मेरे को एक महीना से मैं अपने घर पे हूँ, आई मीन मैं पटना में हूँ एक महीने से. और मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, सच में मैं लेट हो चुका हूँ. मेरे दोस्तों ने लेट कर दिया, मेरे को उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है. सो मेरी 9:50 की फ़्लाइट है, मेरे को 7:50 तक पहुँचना था और अभी 7:07 बज गए. हाँ, तो मेरे को क्योंकि एक घंटा तो लग गया पहुँचने में, मैं थोड़ा लेट ना हो जाता, तो इसके लिए मेरे को गुस्सा आ रहा है थोड़ा. पर ठीक है यार, अब कोई नहीं, अब हो गया तो हो गया. और आज मेरा लास्ट दिन था पटना में, बहुत मतलब क्या जल्दी में निकला ये आज का दिन मेरा. अभी मैं क्या ही बोलूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, थोड़ा निकलता हूँ पहले जल्दी से. तो गाइस, जाने से पहले मीठा खा के जाना चाहिए कि हमारा सफर अच्छा गुजरे. गाइस, मैं घर से निकल चुका हूँ और अभी मैं थोड़ा अपने कज़न से और आंटी से अंकल से मिलने जा रहा हूँ. फिर वहाँ से निकलूँगा और पापा से मिलूँगा, फिर वहाँ से निकल जाऊँगा. ये लोग बहुत लेट किया, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है सच में. और अब चलते हैं, लेट्स गो. ये था मेरा पहले घर, ये टूट के डिवाइड हो चुका है और अभी मेरी आंटी का घर बन चुका है. और ये जुगाड़ वाला घर है अभी. सो अभी मैं चाचा चाची से मिल के निकल रहा हूँ जल्दी से. प्रणाम से जाता हूँ. हाँ, बाय शिवम. तो गाइस, ये था मेरा बचपन का आंगन जहाँ हम लोग क्रिकेट खेलना करते थे. लगोगे जी, इधर देखो ना. अरे तो ये शर्मा रही है थोड़ा. बना चलो बाय, चलो बाय पुसु, चलो बाय बाय शुभम, बाय बाय. ठीक है, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से और हम लोग को लेट हो चुका. पापा भी थोड़ा बोल रहे थे कि इतना लेट हो चुका है, तो अभी जल्दी से जा रहे हैं हम लोग. और इसके गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं, अभी पेट्रोल भराएंगे सबसे पहले हम, क्योंकि नल्ला है, क्या करेंगे. इसके मम्मी पापा पेट्रोल के लिए जान मुझ के पैसा नहीं देते कि दिन भर घूमते रहेगा. गाइस, मेरे को कोई फायदा ही नहीं हुआ इन लोग को लेके जाने के लिए, दोनों के गाड़ी में पेट्रोल भराना पड़ रहा है मेरे को. देखो, वो तो डिक्की खोल के खड़ा हो गया, मेरे को चाहिए तो चाहिए. इसको देखो, डिमांड करता है 210 210. अंकल, ये सब गलत बात है कि नहीं यार, एकदम सोचे फ्री में चल जाएंगे. बताइए ना, कल गाड़ी ले लेता है लोग. सो गाइस, हमने पेट्रोल ले लिया और अभी हम निकल रहे हैं. ये बोल रहा है मेरे को चलाने के लिए, तो मैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि लास्ट चलाएगा तू मेरा गाड़ी. सो गाइस, मेरे को गाइस लिटरली मेरे को एयरपोर्ट का रास्ता नहीं पता, किसी को भी एयरपोर्ट का रास्ता नहीं पता किधर से जाना है. अभी देखते हम कैसे पहुंचते हैं गाइस, देखते देखते तो पहुंच ही जाएंगे जल्दी से. सो गाइस, फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं. अभी हमने गाड़ी पार्क किया है और अब हम जा रहे हैं. मेरे को गेट नंबर पता नहीं कौन से गेट नंबर से एंट्री है, तो चलते हैं अभी आगे और देखते हैं. तो गाइस, ये रहा पटना का एयरपोर्ट. सो गाइस, मेरा बोर्डिंग हो चुका है और मैं अभी वेटिंग एरिया में हूँ जहाँ पे वेट करते हैं फ्लाइट के लिए. मेरा अभी फ्लाइट थोड़ा सा लेट है. सो गाइस, मेरे को आधा घंटा हो गया वेट किए हुए, अभी मेरे को 50 मिनट्स और वेट करना है. बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मूवी देख लेते हैं. सो अभी मैं जा रहा हूँ मूवी देखने, मेरा टाइम पास हो जाएगा अच्छे से. सो गाइस, अभी एंट्री स्टार्ट हो चुका है, तो मैं जा रहा हूँ एंट्री लेने गेट नंबर 1 से.
मेरे को मेरी सीट मिल चुकी है। और पता गाइस मेरे को विंडो सीट मिली है। मैं बोलने वाला था भैया को कि लाइक मेरा विंडो सीट करना, पर उनने पहले ही कर दिया, मेरे को पता नहीं था। बहुत अच्छी सीट मिली मेरे को हर बार, मतलब मिडिल में या साइड में मिलता था, पहली बार विंडो सीट मिला मेरे को। आई लव विंडो सीट, ऐसे होता है अंदर अंदर विंडो सीट अच्छा लगता है। ऐसे नज़ारा देखते देखते जाओ तो अलग ही मज़ा आता है। तो फिर मैं बैठ चुका हूँ और दिखाता हूँ आपको नाइट का सीन। हाय हाय कितना प्यारा लगता है। सो गाइज फाइनली मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। ओ माय गॉड। सो गाइज मीट शिवम भैया, कैसे हो? मस्त मस्त, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया, एकदम जिगजैग घंटा जिगजैग। पता है कब से यहां तेरा वेट करते करते इधर से उधर मैं एकदम। और जो अभी शो के ऑर्गेनाइजर है उन्हें अभी वो भी गाड़ी भेजेंगे हमें पिक करने के लिए। अभी हमें मुरादाबाद जाना है। यहाँ से कितना दूर है मुरादाबाद? यहाँ से मुरादाबाद यहाँ से 150। ठीक है, 150 किलोमीटर है। तो हमें लगता है 1.5 घंटा लगेगा जाने में, 1.5 से 2 घंटा यहाँ से अभी और जाना है हम लोग को बाई कार। तो अभी पहले कुछ खा लेते हैं यार, बहुत जोर से भूख लगा है। भूख लगा क्या आपको? खिलाओ यार फिर। अभी गाइज आप लोग शिवम, गाइज इनका नाम है शिवम, ये डांस प्लस में थे मेरे साथ, मेरे रूममेट। हमने बहुत मज़े किए डांस प्लस के टाइम पे। आगे का बाद में बताऊंगा, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है। तो पहले कुछ खा लेते हैं। आप कुछ बोलना नहीं, बाकी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी, लाइक कमेंट शेयर। चलो बाय बाय गाइज, तो चलते हैं मुरादाबाद। सो गाइज हम होटल से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वेन्यू पे जा रहे हैं। और कुछ सीन ऐसा हो गया था, मैं सुबह शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं सुबह घर सोए थे। और पहले सबसे पहले मीट प्रवेश राणा भैया, हम लोग आज ही मिले और इट वॉज लवली मीटिंग। और हाँ मैं बता रहा था कि हम जब रात को ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली से मुरादाबाद, तो बहुत सारी घटनाएं घटी, दो बहुत बड़ी घटनाएं घटी। भैया ड्राइविंग करते करते एक जगह तो सो गए थे, हम ठुकने ही वाले थे, ठुकते बच के एकदम कार हमारे सामने थी, भैया ऐसे नींद में गाड़ी चला रहे एकदम से भैया ने जगाया, फिर ऐसा निकाल दिया, तो हम लोग बच गए थे। फिर हम ऐसे मौत के छूके टॉक से वापस आ गए। तो फिर उसके बाद हम ये दूसरा घटना ये घटा कि हम लोग गलत जगह पहुंच गए थे। हम लोग को जाना था मुरादाबाद और भैया हरिद्वार लेके जा रहे थे, तो हम लोग को प्रॉपर 6 घंटे लगे मुरादाबाद पहुंचने में। 3 घंटे का रास्ता हमने 6 घंटे में तय किया। तो भैया के लिए बोलेंगे बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है। पर इसका उल्टा है थोड़ा, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी भैया से। कोई नहीं, थक गए काम पे, थक गए। अभी इनसे भी मिस्टेक होती है, हर सबसे गलती हो जाती है, कोई नहीं। और फिर हम 7 बजे पहुंचे, 8 बजे हम सोए फिर। और एक तो मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था, तो मैं गुड नाइट या गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल पाया। और क्या बोलूँ, और बस अभी हम जा रहे हैं अपने वेन्यू पे। सो आज शूट है, पता नहीं शूट कब ख़त्म होगा। और हम लोग बहुत थके हुए भी, एक तो सोए नहीं अच्छे से, नींद नहीं लिया हमने पूरा, पर फिर भी ठीक है। सो अभी देखो हमारे लिए सब कुछ रेडी है यहाँ पे। ला तेरे फोन से लिया मिंटो मिंट पटना तू हस बलिए केड़ा करदा है तंग मैनू दस बलिए साडे मैटर च आउंदी ना पुलिस बलिए करदा है तंग केड़ा दस बलिए जट गैंग नी बनाउंदे गैंगा रन करदे
अपने रखिया चढ़ते तो चढ़ते नहीं जिथे चलते रखाने पूरी लहर फड़ते बंदे जिगरे आले आ साडे नाल खड़ते नहीं दिन ढलते ही हो जे शुरू दिन बली किन्ने टक ने पिंडे ते ना तू गिण बली होया वैल पूना करदे नू चिर बली मिंट लगदा नहीं खोल दई। तो गाइस यहाँ पे इतने बड़े बड़े तगड़े तगड़े बॉडीगार्ड्स हैं आप देख सकते हो, लेकिन सबसे सबसे बड़े बॉडीगार्ड है हमारे ये। किसी को भी मतलब कितना ही बड़ा बॉडीगार्ड आ जाए इनसे दूरी रहेगा, जैसे अभी भी डिस्टेंस मेंटेन है देखो। ऐसी मजाक कर रहा है, दिल पे मत लेना बस। सॉरी यार बुरा तो नहीं माने ना। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं अपने अपनी अपनी सीट लेने। तो आपको कैसा लग रहा है प्रवेश भैया? नींद आ रही। मुझे भी नींद आ रही यार, पर तो करना है तो करना है। तो ये रहा हमारा सीट और ये रहा सेटअप और ये बाउंसर भैया लोग। हाय भैया। तो अभी चलते हैं, लेट्स गो, देखते हैं आगे। गाइज मेरे जस्ट बगल में एक फैन लगा हुआ है, ये देखो, और ये फैन मेरे को चैन से बैठे नहीं दे रहा, बार बार मेरे बाल मुँह पे आ रहे हैं और इरिटेटिंग हो रहा है थोड़ा थोड़ा, बाल बांध नहीं सकता, पर क्या कर सकते। गाइज गुड मॉर्निंग। सो कल जो हमारा शूट चल रहा था जहाँ पे मैं जजिंग करने गया था, तो बहुत लेट नाइट चला, 2 बजे ख़त्म हुआ। तो हम घर पहुँचने के बाद मतलब होटल पहुँचने के बाद फिर शूट नहीं कर पाया मैं। सो अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ और अभी हम उठे 9:30 उठे थे हम अभी फ्रेश होके अभी हम जाएंगे दिल्ली बाई कार। आपको तो मैंने बताया था जब दिल्ली से मुरादाबाद आने में क्या हुआ था, अंकल ने गलत वे में लेके चले गए थे हम लोग को, तो 3 घंटे एक्स्ट्रा लगे थे, मतलब 3 घंटे का रास्ता 6 घंटे में पूरा गया था हमने। सो अभी रेडी हो जाते हैं और चलते हैं दिल्ली शिवम भाई के घर पे एंड लेट्स गो। सो गाइस फाइनली हम दिल्ली के लिए निकल चुके हैं और अभी जा रहे हम कार में, दिख ही रहा होगा। और अभी हमारे साथ साथ जो जो शिवम भैया और कुलदीप भैया and he's the organizer of this show. और प्रवेश भाई आज तो आप चले जाओगे, फिर हम लोग मिलते हैं मुंबई में। मुंबई में मिलेंगे सीधा। सो चलते हैं दिल्ली और मैं तो अभी रुकूंगा कुछ टाइम, 3-4 दिन यहाँ पे शिवम भाई के साथ मजे करूंगा थोड़ा दिल्ली में, बहुत टाइम के बाद आया हूँ। सो लेट्स गो। सो गाइज हम अभी एक रास्ते में हम एक ढाबे पे रुके खाने के लिए, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, 12 बज चुके हैं और हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो कुछ खाएंगे अभी यहाँ पे हम ढाबे पे रुके हैं देखो, और अभी हम खा के यहाँ से निकलेंगे जल्दी से, बहुत ज़ोर का भूख लगा है, ना ब्रेकफास्ट ना कुछ, बस हमने चाय पिया था 1 कप और क्या ही बोलूँ, खाते और जल्दी से निकलते हैं। तो गाइज हमारा खाना डन हो गया और अभी हम वापिस से चले अपने वापिस से जाएंगे। तो गाइस अभी हम वापिस से जाएंगे दिल्ली। मेरे को लिटरली नींद आ रहा आने लगा अभी खाना खाने के बाद, क्योंकि हम लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट किया, पर फिर भी बहुत हैवी किया हमने। हैवी क्या है, मेरा तो 2 रोटी में ही हो जाता है, वो भी तंदूरी रोटी था तो सब कड़ा कड़ा हो जाता ना, तो मेरा 2 रोटी में ही काम बन गया, पूरा 2 रोटी भी नहीं खाया मैं तो, पर फिर भी पेट भर गया और पानी भी बहुत पी लिया मैंने, नींद आ रही है। तो आए वो भगवान से मनाता हूँ मैं कि कार में मेरे को नींद आ जाए और जब जैसी मेरी आँख खुले मैं दिल्ली में रहूँ। सो गाइस तो अब चलते हैं अपनी मंजिल की ओर दिल्ली, लेट्स गो। तो गाइज हमारा आज 7 का सफ़र यहीं तक था और मतलब भैया लोग जा रहे हैं, हम लोग मेट्रो से जाएंगे अभी शिवम भाई के घर पे और वो लोग देखो जा रहे सब। तो हम लोग चलते हैं अपने घर पे और रेस्ट करते हैं, लेट्स गो।
है ट्रैप। हम लोग को लगा कि ये मेट्रो का वो है, क्या बोलते हैं उसको, स्टेशन गेट, पर ये मेट्रो का गेट नहीं था, ये बस रोड क्रॉस करने का सीढ़ी था। तो अभी हम लोग फिर से उधर घूम के पता नहीं कैसे कैसे जाएंगे। किस्मत ही खराब है यार, इतना थके हुए और थका रहे, इतना भारी बैग लेके चलते हैं। पर